जाकर मुझे हमेशा डर लगा रहता कि चेन्नई के अगेंस्ट हमने इनके साथ खेलना है। ये चेन्नई का विकेट नहीं था, ये दिल्ली का विकेट था, ये इतना खतरनाक विकेट नहीं था, लेकिन जिस खतरनाक विकेट पे इन्होंने हमारे साथ खेलना है ये हमें लगेगा पता। अफगानिस्तान वो टीम है, अगर ये 270 280 कर ले तो ये किसी भी टीम को पकड़ सकती है। इसी इसी ग्राउंड के अंदर इंडिया ने भी 270 चेस किया था, लेकिन अलग इंडिया नजर आई। आज थोड़ा पिच अलग था, लेकिन फिर भी इंग्लैंड की टीम में वो मोराल नजर ही नहीं है। इस दफा तो इंग्लैंड इस वर्ल्ड कप में वो नूर अहमद को इंट्रोड्यूस करवाएगा, ये कहीं पे लिख लो। वो अपना एक बैट्समैन काम करके कुछ भी करके, भाई भाई बात ये है, उन्होंने नूर अहमद को इंट्रोड्यूस करवाना है। वो चेन्नई की खतरनाक पिच पे चार स्पिनर उतार देंगे और इनका घंटा बजा देंगे। किधर गई जॉस बटलर, किधर गया जॉय रूट, किधर गया डेविड मिलान, किधर गया जॉनी ब्रास्टो, घंटा बजा दिया। ये मेरा प्रेडिक्शन है, इसको नोट करना, इंग्लैंड पाकिस्तान को जरूर टोकेगा पाकिस्तान से जरूर जीतेगा भाई। अनबिलीवेबल भाई, अनबिलीवेबल भाई, कैसे हो गया ये, कैसे हो गया भाई। अफगानिस्तान जीत गया दोस्तों, अरे अफगानिस्तान जीत गया भाइयों। टीम में दम है, इस अफगानिस्तान की टीम में वो जज्बा है और ये आगे जाके बड़ा कुछ करेगी। आई होप पाकिस्तान की टीम इनको चेन्नई में अगेंस्ट इनके अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते हैं, उनके अगेंस्ट पहले बल्लेबाजी करते हुए रन्स कर दे, क्योंकि इनके खिलाफ चेस करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इनके खिलाफ चेस करना, क्योंकि जो टीम है ना चेस करने में बड़ी खतरनाक होती है, चेस को चेस जिसको कहते हैं ना, टारगेट को डिफेंड करने में बड़ी खतरनाक होती है अफगानिस्तान की टीम। तो इनके लिए सबसे बेस्ट चीज यही है कि पहले बल्लेबाजी करके 280-290 रन जाते हैं अफगानी, और जब मैच हार जाते हैं लेकिन वो पाकिस्तान की टीम को पसीना पसीना करके छोड़ते हैं। और आजकल जैसी फॉर्म में ये नजर आ रहे हैं ना भाई, ये पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी है। इंडिया ने तो इनको हरा दिया था, इंडिया ने तो यक तरफा मैच हरा दिया था, लेकिन पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी। और सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, बल्कि जो जो टीमें इसके बाद अफगानिस्तान के साथ खेलने वाली है ना, वो अपनी प्लानिंग में तब्दीली करेंगी। आज से लेकर वो बैट्स जाएंगी भाई साहब, जो उनका थिंक टैंक है ना, वो बैट्स जाएगा कि यार इनको कैसे रोका जाए। टारगेट चेस कर दिया, हम 50 ओवर भी नहीं खेल सके, फिर उन्होंने 30 ओवर में टारगेट चेस किया, हमारा नेट रन रेट हो गया था खराब। अब हम परेशान थे कि यार हम वर्ल्ड कप में जो हमारे सेमीफाइनल में जाने के चांसेस हैं उसको तो हमारी कंपेन तो डिमोलिश होती हुई नजर आ रही है। तो अब आज अफगानिस्तान ने हमें गुड न्यूज यह दिया है, जो अफगानिस्तान ने अपसेट कर दिया इंग्लैंड को। देखो अब बड़ी मजेदार बात है, इंडिया पॉइंट नंबर पर टॉप पे नजर आ रहा है, न्यूजीलैंड नंबर 2 पे नजर आ रहा है, साउथ अफ्रीका नंबर 3 पे नजर आ रहा है। ये तीन टीमें हैं जो अभी तक वर्ल्ड कप में नाकाबले शिकस्त हैं, इंडिया का नेट रन रेट सब। हेलो दोस्तों, देखिए आज के मैच में अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को हरा दिया, लेकिन इसके बाद पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखने लायक है। दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया बोल रहा है कि अभी अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को हरा दिया तो अब अगली बारी हमारी हो सकती है, क्योंकि राशिद और मुजीब के सामने कांप रहे हैं। इनका कहना है कि यार इंग्लैंड जैसी टीम को हरा दिया तो हमारा नंबर भी जल्दी आएगा। उनका कहना है कि यार भारत ने जानबूझकर हमें चेन्नई की पिच इसीलिए दी थी कि अफगानिस्तान जैसी टीम भी हमको टक्कर दे सके, लेकिन अब पाकिस्तानी मीडिया ने अपनी प्लानिंग चेंज की है। उनका कहना है कि बड़ा मुश्किल हो जाएगा अफगानिस्तान को हराना, क्योंकि दोस्तों चेन्नई का विकेट जो स्पिन रहेगा पूरी का पूरा, और काफ़ी परेशान है इस टाइम पाकिस्तान की मीडिया और पाकिस्तान के प्लेयर्स। उनका कहना है यार स्पिन ट्रैक के ऊपर राशिद मुजीब को खेलना नामुमकिन है, और जबकि बताया जा रहा है कि जो पिच जो है वो स्पिन की रहेगी और पाकिस्तान की बैटिंग स्पिन के आगे संघर्ष करती है। और पाकिस्तानी मीडिया बोल रहा है कि मुश्किल लग रहा है कि इस हिसाब से जैसे अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान हरा पाएगा। तो दोस्तों आगे देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का वीडियो में रिएक्शन क्या रहा। इन्होंने हमारे साथ खेलना है ये हमें लगेगा पता। अफगानिस्तान वो टीम है, अगर ये 270 280 कर ले तो ये किसी भी टीम को पकड़ सकती है। इसी इसी ग्राउंड के अंदर इंडिया ने भी 270 चेस किया था, लेकिन अलग इंडिया नजर आई। आज थोड़ा पिच अलग था, लेकिन फिर भी इंग्लैंड की टीम में वो मोराल नजर ही नहीं है। इस दफा तो इंग्लैंड इस वर्ल्ड कप में वो चलती हुई नजर ही नहीं आ रही, इतनी डाउन डाउन इंग्लैंड नजर आ रही है। लेकिन फिर भी अफगानिस्तान ने क्या क्या सुपर परफॉर्मेंस दिखाई है। मुजीबुर रहमान नए बॉल से, पुराने बॉल से, इसी के साथ साथ नबी, इनके फास्ट बॉलर फजल अकबर रुकी जिसने बेस्ट स्ट्रोक को आउट किया, उसके बाद नवीन ने जो विकेट निकाला बटलर का, राशिद खान की विकेट, मतलब के हर बंदे ने अपनी परफॉर्मेंस दिखाई। अफगानिस्तान की बॉलिंग अखीरी बॉलिंग है, वन ऑफ दी बेस्ट बॉलिंग है, और इनकी बॉलिंग में इतना दम है, इतनी काबिलियत है कि ये कभी भी मैच को पलट सकते हैं। और इंग्लैंड जैसी खतरनाक टीम को, इंग्लैंड जैसी खतरनाक टीम जो आराम से, जो इतना तेज खेलती थी, 270 280 उनके लिए कुछ रन्स नहीं है, उनको इन्होंने हरा दिया, उनको इन्होंने हरा दिया। अब मजे की चीज ये है कि
इंग्लैंड हारे, कल पाकिस्तान हारा था, हम बड़े डिसअपॉइंट थे, लेकिन आज जो अफगानिस्तान ने हरा के इंग्लैंड को खुशी दी है ना, वो इसलिए इतनी खुशी है क्योंकि इंग्लैंड के लिए अब क्वालिफाई करना कोई आसान नहीं है। इंग्लैंड को क्वालिफाई करने के लिए अपने अगले सारे के सारे मैचेस जीतने, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया को जीतने हैं। तो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया वो टीम बन चुकी हुई है, अगर जो इनका मैच जिस दिन होना है उसका मतलब होगा कोई एक टीम बाहर हो जाएगी। ऑस्ट्रेलिया अगर जीतेगी तो ऑस्ट्रेलिया का चांस हो जाएगा, अगर इंग्लैंड जीतेगी तो इंग्लैंड का चांस हो जाएगा। तो ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड में तो अब तो सिर्फ और सिर्फ कोई एक ही टीम क्वालिफाई करने वाली है, दूसरी टीम बड़ी मुश्किल क्वालिफाई करेगी रन रेट की बेस के ऊपर। लेकिन सीधा अगर जो सातों मैचेस जीत सकता है उन दोनों में से कोई एक ही टीम जीत सकती है, क्योंकि इन दोनों का मैच अभी आपस में पड़ा हुआ है। तो ये मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बाकी टीमों को मिली है, क्योंकि मैं शुरू से कह रहा था, मैं कह रहा था जो वर्ल्ड कप है ना फीका फीका नजर आ रहा है, इसके अंदर जब तक कोई अपसेट नहीं ना होगा तब तक मुकाबले सख्त नहीं होंगे, क्योंकि हमें पता था टॉप सिक्स टीमें हैं जो चार चार की पोजीशन के लिए लड़ रही हैं। लेकिन अब अफगानिस्तान के इनको अपसेट करने से क्या हुआ है कि जो दूसरी टीमें हैं उनके पास भी चांस बन गया है, और इसको अपसेट नहीं कहना चाहिए। अफगानिस्तान ने भी पहला था और आज अफगानिस्तान ने भी पहल दिया है। This is the beauty of Afghanistan cricket. मैं पहले दिन से बकवास कर रहा हूं, पहले दिन से मैं भौंक रहा हूं कि अफगानिस्तान इस टूर्नामेंट में 2 से 3 अपसेट करेगी। अफगानिस्तान इस टूर्नामेंट में 2 से 3 ऐसे अपसेट करेगी कि अच्छी से अच्छी टीमों को वो टूर्नामेंट से बाहर करवा सकती है। मेरी बात को लोग फिर सीरियस ही नहीं लेते, क्योंकि हम तो सर ट्रू एनालिसिस करते हैं ना क्रिकेट पे, हम तो रियलिटी बताते हैं, और जो बंदे रियलिटी बताते हैं ना उनकी फिर वो जब किसी को लगती है तो फिर उनकी फटती है, फिर उनको ना खुलती है उनकी बात। ये है हम लोग क्रिकेट की सच्ची बात करते हैं। मैंने कल क्या बोला था कि इंडिया अपने बलबूते पे जीता है, इंडिया ने रोहित शर्मा ने अपने बलबूते पे अटैक किया है शाहीन अफरीदी को, इंडिया ने अपने बलबूते पे टेपिए को मारा है। कुछ पाकिस्तानी फिर कवर अप करते हैं कि जी ओ हमारा हेड कोच जी, नहीं जी वो तो हम जी वो तो इंडिया में नहीं है, आईसीसी का इवेंट नहीं है, ये तो बीसीसीआई का इवेंट है, ये वो है ये वो है, तो दिल दिल पाकिस्तान नहीं हुआ। तेरा काम दिल दिल पाकिस्तान बताना, उधर तेरा काम उधर दिल दिल पाकिस्तान बताना। मुझे जरा ये बता, कुलदीप यादव को क्यों नहीं खेल पाए, कुलदीप यादव को क्यों नहीं खेल पाए मुझे ये बताओ। नेट प्रॉब्लम कर रहा है आई थिंक यार, नेट जो भी अभी दूसरे मोबाइल की जगह पे, इस मोबाइल की जगह पे मैंने इससे आप किया जो है वो लाइव दूसरे से, लेकिन अब आप थोड़ा सा इस पे जो है वो कम। दोस्तों जैसे कि आपने वीडियो में देखा पाकिस्तानी मीडिया का, पाकिस्तानी मीडिया बहुत ज़्यादा दिन खराब हो गए पाकिस्तान के। अब एक तो इंडिया से हार, फिर अफगानिस्तान जीत गया, अभी अफगानिस्तान के ऊपर चढ़ बैठेगा। हर बार इन्हें नसीम साहब अच्छा लेता, इस बार बेचारा नसीम साहब ही टीम में नहीं है जो इन्हें हरा पाएगा। अब पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि हमें भी 3-4 स्पिनर उतारने पड़ेंगे जिससे कि मैच में हम बने हुए हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।